दोस्तों, आप लोग आए दिन देखते हैं या फिर सुनते हैं कि बिजली के झटके से इतने लोगों की जान गई। आज हम लोग उसी को जानने का कोशिश करेंगे कि बिजली के झटके से इंसान की मौत कैसे हो जाती है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। किस टॉपिक में बातें करेंगे आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं, तो आइए चलते हैं और बातें करते हैं। जानते हैं कि बिजली के झटके से इंसान की मौत क्यों होती है। दरअसल दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। वैसे में जब इंसान के शरीर पर बिजली का झटका या फिर करंट लगता है, तो वैसे में बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह से जला देता है, और पानी के जलने से इंसान का खून बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और खून की प्रवाह भी धीमी हो जाती है। वैसे में इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिजली के झटका लगने से मनुष्य के शरीर के अंदर 3 वजह होते हैं जिनकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। पहला वजह है सांस रुकने की वजह, दूसरा वजह है धड़कन रुकने की वजह, और तीसरा वजह है फेफड़े की कार्य ना करने की वजह से। यही कारण है कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत हो जाती है। तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि बिजली का झटका लगने से इंसान किस तरह से मरता है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।